बात कर रहे हैं कोलाइडल की, मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन कराया, कोलाइडल दो तरह के होते हैं, कैसे? लायोफिलिक, लायोफोबिक, ठीक है, पहला हुआ। फिर दूसरा हुआ, तीन तरह से फिर क्लासिफिकेशन कर दिया, माइक्रो मैक्रो एसोसिएशंस, फिर खत्म हो गया। तो हमने कोलाइडल बहुत सारे कर दिए। फिर एक और करा था, अलग अलग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग 8 तरह से करा था, सॉलिड गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड लिक्विड, बस एक ही नहीं बचा था और वो था गैस गैस, बाकी सब कर लिया था अपन ने। तो टोटल मिला के कितने कोलाइडल हमारे उस वक्त हुए थे, क्लासिफिकेशन 3 तरह से अलग अलग कर लिए। डिस्पर्स फेज हम उसे बोलते हैं जो कि कम क्वांटिटी में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम ज्यादा, इसको ऐसे ट्रीट कर लेते हैं हम, फेज को सॉल्यूट और मीडियम को सॉल्वेंट। तो यहां तक तो हमारा पूरा खत्म खत्म, जाने दें हम, ठीक है। तो अब कोलाइडल, जब अगला पार्ट जा रहा है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर कोलाइडल, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय कोलाइडर, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, और फिर चैप्टर क्लोज। तो आज हम दोनों ही कर जाएंगे। हाउ कैन वी प्रिपेयर कोलाइडर, भाई मुझे ये कोलाइडर बनाना है इस चौक का, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर मेरे को किसी ऐसे बनाना होगा तो पहले मैं क्या करूंगा, जल्दी बनाना है तो इसको पीस लूंगा, पाउडर बना लूंगा, जैसे आटे जैसा होता है, और जो थोड़ा सा पानी डाल के लुगदी टाइप बन जाऊंगा, हो गया। किसका हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड। आपने गेहूं का कोलाइडर बनाया है, अगर गेहूं के दाने को सीधा पानी में डालोगे तो क्या होगा, कोलाइडर बनेगा या सस्पेंशन, सस्पेंशन। लेकिन उसी का आटा बना दो आप, तो क्या बन जाएगा, कोलाइडर, पक्का। तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोलाइडर बन गया, कौन सा, सॉलिड लिक्विड। तो सबसे अच्छा तो पता है क्या होता है कोलाइडर बनाने का तरीका, आप जो भी सब्सटेंस है सॉलिड वाले चीज को इतना बारीक कर दो कि कोलाइडर में आ जाए, यानी उसे आटा चक्की में ले जाओ। आटा चक्की का मतलब यही नहीं है कि वो केवल गेहूं को पीसता है, वो दालों को भी पीस देता है, वो हर चीज को पीस देता है, सॉलिड हो पक्का। लेकिन वो मेटल को नहीं पीसता था, क्योंकि लोहा लोहे को नहीं पीस पाता ढंग से, या उससे हार्ड मेटल को नहीं कर पाएगा, तो जनरल तो हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, डिस्पर्जन, यानी बड़े मॉलिक्यूल को क्या करना है, पीसना है। तो इस मेथड को अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन तो अपन बोलेंगे, लेकिन ये कौन सा है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल, मैकेनिकल। दो, मैग्नेटिकल का मतलब दो पार्टों के बीच में पीसना, इलेक्ट्रिकल का मतलब झटके दो उसको, तो मैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिकल भी होता है, और वो भी होता है आजकल तो क्या कहते हैं, रेडिएशंस, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से थोड़ा ज्यादा बोल दो, एक्सरे भी बहुत ज्यादा हो गया, एक्सरे से लेजर रेस होता है, ऑपरेशन करते हैं ना, किसी के पथरी हो जाती है, मतलब झटके देते हैं उसको, पथरी एक तरह से क्या हो गया, सस्पेंशन, उसका कोलाइडल बना दो, अंदर यूरिन में से निकल जाएगा वो, किडनी में से वो क्या कहते हैं, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या करेंगे वो, उसको लेजर है ऑपरेशन कहते हैं आजकल, अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन से भी हो सकता है, तो तोड़ा जा सकता है, कोई डाउट आपको। ये डिस्पर्जन है, तो मैकेनिकल डिस्पर्जन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन को कोलाइडल में चेंज करना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल में चेंज करना, छोटे को बड़ा करना। तो दो तरह के हमारे क्या हो जाएगा, सस्पेंशन या फिर डिस्पर्जन या फिर एसोसिएशन। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ोगे आप, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में तीन हो जाएंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यही है, और अगर आप अल्ट्रासाउंड वाला करना चाहो तो वो अलग से कर लेना, लेकिन हमारे सिलेबस तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन लिख लीजिए, तो कोलाइडल, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल, आप ऐसे लिखो, फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल, यह है ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू पार्टिकल या ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडर, इसको क्या बोलेंगे आप, एसोसिएशन, और इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। एक तरफ एसोसिएशन और एक तरफ डिस्पर्जन। इसके अंदर क्या करोगे आप, डिस्पर्जन के अंदर सस्पेंशन को,
सस्पेंशन को कोलाइडल में और ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल में चेंज कर सकते। बोलो हाँ या ना, दो चीजें हो सकती है, ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल में या सस्पेंशन को कोलाइडल में। बोलो यस। तो कोलाइडल में एसोसिएशन और डिसोसिएशन में अपन डिसोसिएशन को पहले करेंगे, यानी कुल मिला के इसमें क्या होगा, बिग पार्टिकल कन्वर्ट इन कन्वर्ट इन स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। और यहां क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट इन बिग पार्टिकल। आपको इसके लिए पीसना पड़ेगा मैकेनिकल, बताओ इसके लिए भी पीसना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसको और छोटा थोड़ी ना करना है, इसको तो क्या करना है, बड़ा करना है। तो जब आपको टू पार्टिकल को कोलाइडल में चेंज करना है तो आपको कोई केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे या कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, ठीक है? यानी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अलग तरह के होंगे, और डिस्पर्जन में बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको बारीक करना है। तो आप हैमर से पीटो, बार से पीटो, कैसे भी पीटो, मुझे तो कोलाइडल चाहिए भाई, मेरी तो एक ही नीड है। तो हैमर से पीटो या बार ऐसे चक्की में ले जाओ, कहलाएगा तो मैकेनिकल डिस्पर्जन ही। तो हमारे पॉइंट में यही है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन में क्या होगा, कुल मिला के ये एक शाफ्ट है, ये एक स्टेशनरी शाफ्ट है, स्टेबल है, ये नहीं घूमेगी, सिर्फ यही घूमेगी, और यहां होलो है, होलो शाफ्ट, जिसमें से सब्सटेंस आएगा, कौन सा आएगा, सस्पेंशन ही आएगा, और जो पाउडर इधर से निकलेगा वो क्या निकलेगा, कोलाइडल रेंज। कोलाइडल पार्टिकल, सही है? तो एक तरफ से क्या निकलेगा, सस्पेंशन, और एक तरफ से क्या निकलेगा, कोलाइडर। कुछ समझ में आया? तो ये तो रहा मैकेनिकल, अब इलेक्ट्रिकल करना है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कैसे सोचोगे, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन को आपको झटके देने, लेकिन करंट के झटके देने, ऑब्वियसली ऐसे मेटल जो या ऐसे सब्सटेंस जिनको आप पत्थर से नहीं पीस सकते, यानी वो मजबूत होंगे ऑब्वियसली, जैसे गोल्ड, मेटल, प्लेटिनम, निकल, इनको आप बड़ी मुश्किल से बना पाओगे, तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन आपके लिए बेस्ट है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कैसे करेंगे आप? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन अगर आपको देखना है तो ऐसे करो, यहां आप अपना सब्सटेंस रख दो सस्पेंशन वाला, और यहां पर आप इलेक्ट्रोड लगा दो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सही है? इसको जैसे आप झटके देंगे, करंट देंगे, मतलब झटके का मतलब करंट, तो ये आपके पास एक बीकर है, कंटेनर है, और यहां आपके पास पानी है, और जब झटके निकलेंगे तो यहां से पार्टिकल निकलेंगे, यहां से क्या निकलेंगे, पार्टिकल निकलेंगे। तो जब ये पार्टिकल करंट के साथ इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि वहां से पार्टिकल निकलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे वेल्डिंग करते वक्त, वो नहीं होते कि आयरन के छोटे छोटे पीस निकलते हैं लेकिन दिखते नहीं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, वो वैसे निकलेंगे। लेकिन आपने यहाँ क्या कर रखा है, तो बर्फ रख रखी है, बहुत ठंडा पानी रख रखा है, तो वो क्या है, उसके अंदर तेजी से ठंडे होकर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल डस्ट हो जाएगी या उससे भी छोटी, तो कोलाइडल हो गया।
लोहे को आप पीस सकते हो क्या पानी ऐसे बाट से? नहीं पीस सकते, तो यही आपके लिए मेथड है। मेटल के लिए तो यही अच्छा है। यानी देखा जाए तो डिस्पर्जन बाय इलेक्ट्रिक करंट, और सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि यूज फॉर सम स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, यानी कि आप समझ सकते हो हार्ड सब्सटेंस। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कूलिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये तीन पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला यूज फॉर हार्ड सब्सटेंस, दूसरा डिस्पर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, या करंट ही लिख सकते हो आप। नेक्स्ट कूलिंग इज रिक्वायर्ड। कोल्ड वाटर, बस बहुत है। तो पेप्टाइजेशन जो मैं कराने जा रहा हूँ, पेप्टाइजेशन भी अपने आप में क्या है? डिस्पर्जन है, यानी बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में चेंज होना। तो अभी हमने क्या करा? मैकेनिकल डिस्पर्जन कर लिया, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कर दिया, पेप्टाइजेशन भी वैसा ही है, लेकिन अंतर है। इसके लिए अपन को कोई करंट के झटके नहीं देने, इसके लिए हमें कोई आटा चक्की की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कराया जाएगा कि कोई समझ ना, कोई ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है ट्रू सॉल्यूशन? वो अचानक सस्पेंशन में चेंज हुआ है, अचानक, उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जैसे ही वो सस्पेंड, ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन में चेंज हुआ, समझना हमने एक ऐसी चीज बना दी कि वो वापस कोलाइडल में चेंज हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पेप्टाइजेशन। यानी कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेप्टाइजेशन को किस में रखूं, डिस्पर्जन में रखूं या एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब कंडेंसेशन ही हो गया, एसोसिएशन का मतलब कंडेंसेशन का रख गया। तो मैंने बहुत सोच के फिर इसको बाद में किस में रख दिया? डिस्पर्जन में। क्यों भाई? क्योंकि पहले क्या था? ट्रू सॉल्यूशन था, किस में चेंज हुआ? सस्पेंशन में। और कोलाइडल किस, फिर सस्पेंशन किस में चेंज हुआ? कोलाइडल में। अगर डायरेक्ट चेंज हुआ होता ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल में, तो मैं इसको किस में रखता? डिस्पर्जन में। लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ, कोलाइडल वास्तव में बना तो सस्पेंशन से ही था ना, हाँ या ना? तो ऐसा कुछ हुआ है यहां पर। कोलाइडल आखिर में बना किससे? सस्पेंशन से या ट्रू सॉल्यूशन से? सस्पेंशन से। पक्का? तो कैसे हो रहा है इस चीज को समझते हैं। ये मेरे पास एफी है, सॉल्ट एफी, और मैंने इसमें OH मिलाया, एफी +3, कोई भी ले लो, फेरिक सल्फेट ले लो, इजीली डिजोल्व होता है, ऐसा जो डिजोल्व हो, बढ़िया प्यारा सा डिजोल्व हो जाए, ठीक है ना? एफी +3 मेरे ख्याल से ग्रीनिश कलर हो जाएगा आपका, जो भी है, ठीक है ना? तो आपने कलर देख लिया, डाल दिया। नाइट्रेट भी ले सकते हो, फेरिक नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट, या सब डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व रखा हुआ है। जैसे ही उसमें OH डालूंगा क्या बन जाएगा? एफी OH 3 बनेगा या नहीं बनेगा? एफी OH 3 बन गया। एफी OH 3 बनते ही पीपीटी आएगा, इससे पहले कि वो पीपीटी, वो पीपीटी क्या हो गया? सस्पेंशन है। वो सस्पेंशन होते ही वो क्या करेगा? नीचे बैठने लगेगा धीरे 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 धीरे। पीपीटी पहले छल्ले ऐसे बनते हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे वो बैठने लगता है, सेटल डाउन, ग्रेविटेशन वर्क वर्क करता है धीरे धीरे। एकदम से तो नीचे नहीं बैठ जाएगा, बनाओ नीचे बैठ गया, धीरे धीरे बैठेगा। जैसे ही वो बैठे नहीं, उससे पहले ही आपने ऐसी कोई चीज मिला दी, इलेक्ट्रोलाइट, पीपीटी बन के नीचे बैठेगा। पहले आप इसका डायग्राम बनाओ, ट्रांसपेरेंट, ये कैसा हो जाएगा? आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, पूरे कंटेनर में पीपीटी बन रहा है, इस बन चुका है, लेकिन इससे पहले ये पूरा ऐसे बैठने लग जाए नीचे, आप मत बैठने देना, बैठते ही फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं बन पाएगा कोलाइडर प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो एक तरह से क्या हो गया, नीचे बैठ के क्रिस्टल बना लेगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएंगे फिर क्रिस्टल। क्रिस्टल बनने के बाद फिर उसे कोलाइडर में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, फिर
फिर वो क्रिस्टल को पीसो, ये करो वो करो, उसी समय आप क्या मिला दो, FeCl3 मिला दो। तो जैसे ही आपने FeCl3 बनाओ मिलाओगे, और वो नीचे नहीं बैठेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है ना, और वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे बड़े पार्टिकल, जो आंखों से तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे ये पार्टिकल, इतने बड़े हैं। मेरे दिमाग में यही आया कि यार ये अच्छा खासा क्रिस्टल बना सकते थे, क्यों नहीं बना पाए, FeCl3 ने ऐसा क्या चमत्कार किया। ठीक है, समझते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, मैकेनिज्म कुछ इस तरह की है, FeCl3 पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है ना, FeOH3 के साथ, FeOH3 के साथ वो ऐसे बनाता है, ये FeOH3 है, समझना, OH 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 ये मॉलिक्यूल है। सपोज इस मॉलिक्यूल में हो सकते हैं कि कुछ 150 FeOH3 अटैच्ड हो, मैं एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे FeOH3 अटैच्ड है, फिर उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल दीवार सी बन जाएगी Fe+2 3 की, जिससे कहीं ना कहीं OH से सारे बहुत सारे OH हैं जिससे कहीं ना कहीं अटैच रहे वो, समझना मेरी बात, बन गई। और ये जो आएगा वो आपके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा, यानी कोलाइडर रेंज में आ गया। अब ये पार्टिकल ये नहीं होके ये हो जाएगा, इसमें बहुत सारे FeOH3 हैं, बहुत सारे Fe+3 हैं, लेकिन अब ये दीवार ऊपर बन चुकी है, Cl- कहाँ है इसमें, वो दिखेंगे नहीं, वो तो बहुत ही छोटे हैं, वो Cl- भी उसी के अंदर है, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कोलाइडल कौन है, क्या पानी है कोलाइडल, नहीं, क्या ये Cl- की वजह से कोलाइडल है, नहीं, कोलाइडल किसकी वजह से, इस पार्टिकल की वजह से। तो कोलाइडल को इसी से जाना जाए तो बताओ इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव कोलाइडल या नेगेटिव कोलाइडल, जोर से बोलो, पॉजिटिव कोलाइडल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव वॉल बनी है, ठीक है ना। इसका जो दूसरा आयन है Cl- वो तो कंटेनर में घूम रहा है, उसकी वजह से कोलाइडल है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोलाइडल। तो आप मुझे ये बताओ, कोलाइडल का नाम भी रखने लग गए अब तो हम, अभी तक तो हम कोलाइडल को कोलाइडल ही बोल रहे थे, तो कोलाइडल को चार्ज वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे भाई, जो कोलाइडल पार्टिकल है सॉल के अंदर उसके ऊपर क्या चार्ज है वो कोलाइडल हो गया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ओवरऑल सॉल्यूशन हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल, लेकिन फिर भी अपन कोलाइडल को पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यार इस पॉइंट में ऐसा है कि अगर आप कम डालोगे ठीक है तो कम कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे, बाकी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डालोगे तो नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन उसमें कोलाइडल पार्टिकल भी कम बनेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपकी बात को फिर मैं जवाब दे दूं, इसमें FeOH3 कितने हैं, एक है या 50-60 होंगे, 50-60 दिख रहा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो चुके हैं ना, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक ही है, ये एक लेयर है उसके ऊपर बन गई है, नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, शॉप बिल्कुल, वहां पर भी बहुत सारे थे, बहुत सारे हैं, एक मॉलिक्यूल की साइज तो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है ना, तो अब ये बहुत सारे हैं और उसके ऊपर आर्टिफिशियल दीवार बन गई। अब क्या है, सपोज ये 100 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, मेरी आइडिया से सुनना, 100 मॉलिक्यूल है, 100 को 1000 होती है दिक्कत हो जाएगी, तो 100 को तोड़ दिया इसने, 100 100 के पैकेज में बना दिया, कुछ 100 है कुछ 50 है कुछ 80 है, समझ में आया, ऐसे है, अगर ये नहीं मिलाया जाता ना तो वो 100 दूसरे 100 से अटैच होते, 200 बन जाते, 200 300 300 400 और ऐसे करके क्या बन जाता, सेटल डाउन हो जाता, समझ में आया, अब आ गया समझ में,
कि आपने सस्पेंशन से पहले उसको किसमें चेंज कर दिया, कोलाइडर में। और अगर एक होता ना तो वापस ट्रू सॉल्यूशन हो गया होता। बात समझो, इससे इस पे प्लस चार्ज हो गया, तो अब जो दूसरा कोलाइडल आएगा उस पे भी प्लस चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल। अगर वो ऐसा हो नहीं सकता कि एक कोलाइडल पे पॉजिटिव हो गया, एक कोलाइडल पे नेगेटिव हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाए ना तो सारे कोलाइडल किस में चेंज हो जाएंगे, सस्पेंशन। तो कोलाइडल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनता है कोलाइडल। लिखो डेफिनेशंस। डिस्पर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड द डिस्पर्जन ऑफ ए फ्रेशली फ्रेशली प्रेसिपिटेट प्रिपेयर नहीं फ्रेशली प्रेसिपिटेट मटेरियल इनटू कोलाइडल सॉल्यूशंस। बाय सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कोलाइडल सॉल्ट बोल दो, कोलाइडल सॉल्ट बाय सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, बाय सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन एंड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। तो बताओ इस प्रोसेस के अंदर जो आपने सामने देखा है, कोलाइडल कौन किसका बना है, FeOH3। यानी कोलाइडल सब्सटेंस तो FeOH3 है और एजेंट कौन है, FeCl3। ये कौन सा कोलाइडल है, हाइड्रोक्साइड कोलाइडल। बक्का कहलाएगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड कोलाइडल या मेटल क्लोराइड कहलाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा, ये कोलाइडल कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों कहलाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज ही इसको बचाए रख रहा है या मार रहा है, बचाए रख रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये एक दूसरे में कंडेंस हो जाते और किस में चेंज हो जाते, सस्पेंशन में। तो पॉजिटिव चार्ज ही इसको बचा रहा है सस्पेंशन में चेंज होने से। ठीक है, तो देखा जाए तो और बॉन्ड बना सकता था ये, और ज्यादा स्टेबल हो सकता था, नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, Fe+3। लेकिन Fe+3 को कोई और एनायन मिल गया, Cl की जगह कोई और बन जाता जिससे वो न्यूट्रल हो जाता और वो भी प्रेसिपिटेट बना लेता, तो वो इससे निकल जाता और निकलते ये भी किसमें चेंज हो जाता, सस्पेंशन में। तो क्या ऐसे कोलाइडल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, नहीं। ठीक है ना, ये तो बस किसी पार्टी के नेता की तरह होते हैं, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, खटाखट चेंज कर लेते हैं पाला, अभी इसकी सेवा कर रहे हैं थोड़ी देर बाद दूसरे की। ठीक है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां से इनको फायदा मिले ये वहां चले जाते हैं। तो लिखें इसको। अभी आपको क्या करना है, एक तरह से आप मेरे से पूछा जाए तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हम ट्रू सॉल्यूशन को किसमें चेंज कर रहे हैं, कंडेंसेशन में। किसमें चेंज कर रहे हैं, कंडेंसेशन करके कोलाइडल में। तो हमने एक तो करा एक्सचेंज मेथड, भैया उसको बेला फुसला के ले गए, तेरे को देख अच्छी जॉब दिलाएंगे, और फिर उसे ऐसे उठपटांग के काम करा रहे हैं, वही वाली चीज है। तो अमेरिका ले जाते हैं, फिर पता चलता है वहाँ नौकर बना रहे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कुछ हो रही है। तो चलो सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड। अगर हम बात करेंगे केमिकल मेथड, इसमें आ जाएगा डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन हमारे पास हो जाएगा,
देखो ये कोलाइडल बनाएगा और येलो भी आएगा, यानी आपने क्या करा, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 कोलाइडल नहीं होता, ठीक है ना, पानी में रहता है, डिजॉल्व है, आपने जैसे H2S गैस डाली तो आर्सेनिक सल्फाइड का PPT भी बनता है, ऐसा नहीं है PPT बनता है, लेकिन उससे पहले कुछ पार्टिकल कोलाइडल रेंज में भी आते हैं, ठीक है, लो कंसंट्रेशन पे ये कोलाइडल रहेगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे तो फिर PPT बन के सस्पेंशन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डबल डिकम्पोजिशन, ए फर्स्ट, बी ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस आपने H2S गैस को SO2 में डाला, ट्वाइस H2O प्लस सल्फर में चेंज हो गया, तो यहां सल्फर का क्या हुआ, एक तरह से जिससे बना है सल्फर, यहां 0 है, यहां -2 है, तो एक तरह से क्या हुआ है, हुआ तो ऑक्सीडेशन है इसका, तो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू बना है। थर्ड रिडक्शंस लिख लो, AuCl3 है, 3SnCl3, 3SnCl4 प्लस FAu बना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड अगर कर दोगे तो AU प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगा गोल्ड, लेकिन नहीं रहेगा तो ऐसा लगेगा कि आप बन रहा है कोलाइडल। दस आपने देखा होगा टॉलेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या होता है वो भी, तो कोलाइडल है सिल्वर का, एजी सिल्वर रहता है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना होता है कि नीचे चांदी की डली मिल जाएगी आपको, क्या रहेगा वो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन तक तो वो क्या है, कोलाइडल है, सिल्वर है, वो प्योर सिल्वर है, लेकिन वो अभी कोलाइडल फॉर्म में है, ठीक है ना। अब ये मत सोचना सॉलिड मेटल बन जाएगा, थोड़ी देर बाद नीचे कॉइन मिल जाएगा सिल्वर का, उठा लो ले जाओ घर पे, ठीक है ना, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, आप समझ के चलना, तो बहुत कम कंसंट्रेशन ही पूरे सॉल्यूशन को कैसा बना देगी आपके, सिल्वर सिल्वर, यहाँ पर भी गोल्ड गोल्ड गोल्ड, पूरा येलोइश गोल्डन येलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई जगह इनका यूज किया जाता है कोलाइडल सॉल्ट का स्प्रे करने में, सोना भी कम लगे और चमक भी सोने जैसी आ जाए, नहीं करते मिरर पॉलिश, गोल्डन पॉलिश, वैसे सिल्वर पॉलिश, तो वो पॉलिश करने में ही काम आता है उस स्प्रे का। तो कोलाइडल सॉल्ट बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि केमिकल इंडस्ट्री में आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि कलर आ गया गोल्ड, तो ये कौन सा है, गोल्डन कोलाइडल, गोल्ड कोलाइडल भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको 1 सेकंड में PPT में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तो सॉल्व बन रहे हैं, यानी जैसे ही PPT बनेगा वो सॉल्यूशन तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएगा पूरा गोल्ड, लेकिन अभी तो बना हुआ है भाई लो कंसंट्रेशन पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने कोलाइडल कैसे बनाया, कैसे क्लासिफिकेशन करा, वो सब पढ़ लिया, भाई प्रॉपर्टीज क्या है इसकी कोलाइडल की, भाई बैंक बैलेंस कितना है, मकान है या नहीं है कोलाइडल का, रहता कैसे, कमाता क्या, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, कोलाइडल एक सॉल है तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई उसकी, भैया कलर कैसा होगा, उसकी साइज क्या होगी, उसमें रिपल्शन क्या होगा उसका, बहुत सारे छोटे छोटे हो सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, सबसे पहला जो मुझे आता है वो है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, भाई ये बात तो समझ में आ गया था धीरे धीरे कि कोलाइडल पे चार्ज होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और एक कोलाइडल पार्टिकल जब दूसरे कोलाइडल पार्टिकल के पास जाता है तो उसे रिपेल करता है ना कि अट्रैक्ट करता है, अगर अट्रैक्ट करता होता वो किस में कन्वर्ट हो जाता, सस्पेंशन में, तो कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल होंगे, तो मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मैं कूदता कूदता दूसरे कोलाइडर के पास गया, फिर क्या होगा, फिर पता चलेगा हम दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मेरी ज्यादा ज्यादा क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसे चलूंगा, पहले ऐसे जा रहा था या तो बैक में आ जाऊंगा या इधर जाऊंगा, तो वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैं भी अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, मैं मेरा पाथ देख रहा हूँ, मैं किसी और का पाथ नहीं देख रहा, तो पता है मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, फिर एकदम से सामने कोई आ गया उसके बाद ऐसे चेंज हो जाऊंगा, फिर ऐसे आया ऐसे हो गया, कभी जल्दी मिल गया कभी लेट मिला कभी बहुत जल्दी मिल गया, तो ऐसे मेरा पाथ होगा, लेकिन ये तो मैंने थियोरिटिकल देखा। तो टिंडल ने इसको पहली बार अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से दिखाया, भैया ये देखो पार्टिकल मूव कर रहा है जिगजैग, हवा में बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल है,
आपको दिख भी नहीं रहे होंगे डस्ट पार्टिकल। कभी है ना अंधेरे में सनलाइट की बीम आ रही होती है ना, तब देखना आपको, तब दिखेंगे। अभी तो सब शाइन मार रहे हैं, नहीं दिखेगा कुछ भी। तब दिखते हैं हल्के हल्के, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, वो सब कोलाइडल रेंज में। वो हमारे को बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन फील दिखला देते हैं हाँ कोलाइडल है। तो इसका मतलब ये जिग जैग मूवमेंट जो होता है ना, यही क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो आपसे पूछा जाए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, भैया जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, सॉरी यार ब्राउनियन मोशंस, टिंडल इफेक्ट नहीं ब्राउनियन मोशन अपन बोल गए, ठीक है। टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा अलग है। अगला तो क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है। तो लिखे हेडिंग डाल लीजिए ब्राउनियन मोशंस, ब्राउनियन मोमेंट। तो कैसा होगा ब्राउनियन मोमेंट, पहला पॉइंट डेफिनेशन अगर लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, द जिगजैग मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्यों होता है भाई, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स बिटवीन वन कोलाइडल पार्टिकल टू अदर कोलाइडल पार्टिकल, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू कोलाइडल पार्टिकल, ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू सेम चार्ज। सही है, ड्यू टू सेम चार्ज। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन में दो कोलाइडल हो, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, नहीं होगा। फटाफट ही किसमें चेंज हो जाएंगे, सस्पेंशन में। खत्म खत्म। हम इसको पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, एक तरह से कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल या डिस्ट्रॉयड ऑफ कोलाइडल में, ठीक है ना, करेंगे अपन, पढ़ेंगे हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय कोलाइडल। अभी अपन ने क्या पढ़ा, कोलाइडल फॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर उसके बाद कोलाइडल को हटाना भी जरूरी है। तो ये हमारा हो गया ब्राउनियन मोमेंट, कोई डाउट। अच्छा फिर दूसरा जो मैं नाम ले रहा था टिंडल इफेक्ट, सेकेंड टिंडल इफेक्ट क्या इस लिखेंगे, स्पेलिंग लिखिए TYNDALL, टिंडल इफेक्ट। क्या है ये टिंडल इफेक्ट, देखो बहुत सिंपल सा है, कोलाइडल पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते, समझना। अगर कोई मैं हूं, मैं कोलाइडल हूं या सस्पेंशन हूं, सस्पेंशन बहुत बड़ा हूं यार, तो अगर सस्पेंशन हूं तो कोई लाइट मेरे पास टकराएगी, तो मेरी क्या टेंडेंसी रहेगी, मैं एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रहेगी, जो एब्जॉर्ब कर सकता हूं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा मेरा कौन सा कलर है। ट्रू सॉल्यूशन के साथ क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो लाइट एब्जॉर्ब करने की उनकी जो टेंडेंसी होती है, वो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो है, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं होंगे। जैसे एन ए प्लस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो वो क्या दिखेगा, कलरलेस। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या रहेगा, कलर से लेस, पक्का। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल बहुत छोटे भी नहीं होते, बहुत बड़े भी नहीं हो सकते, तो उनके पास टेंडेंसी होती है एक तो रिफ्लेक्ट करने की और एक एब्जॉर्ब करने की भी होती है, जिससे वो चमक भी पैदा कर सकते हैं और दूसरा एब्जॉर्ब करके वो कलर भी पैदा कर सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अपने आप में कलर भी जनरेट करने की टेंडेंसी रखेंगे और रिफ्लेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दिमाग में आया करते हैं अपन, सोचते हैं, मैंने एक बिल्कुल डार्क रूम बनाया, क्या बनाया, डार्क रूम, और उसमें मैंने प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर, प्योर H2। फिर मैंने क्या लिखा, प्योर H2 बिस्लरी का पानी, बल्कि डिस्टिल वाटर, बिस्लरी का वाटर भी इतना नहीं होता, डिस्टिल वाटर, प्योर H2O नहीं लेके मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, एक्वास। फिर मैंने क्या लिखा, कोलाइडल ले लिया, कोई सा भी कोलाइडल सॉल्व। अंधेरा कप है, क्या दिखाई देगा, कौन सा कलर, कौन दिखाई देगा आपको, कोई भी नहीं दिखाएगा, मैं कह रहा हूं ना अंधेरा कप है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंधेरे में क्या चीज दिखाई देगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा है बिल्कुल। फिर मैंने क्या करा, एक छोटी सी
इस पूरे डब्बे में, जहां अंधेरा कप है, कुछ भी नहीं है, मेरी आंख बस यहां से देख सकता हूं मैं। ठीक है, यहां से देख रहा हूं मैं। पता है, एक लाइट की बीम आई, बीम यहां गई, यहां गई, बिल्कुल सीधी आ गई। तो बताओ क्या मेरे को ये दिखाई देगा? लाइट इधर से होती हुई दिखाई देगी? हाँ दिखाई देगी। इधर से दिखाई देगी? हाँ दिखाई देगी। इधर से दिखाई देगी? हाँ दिखाई देगी। ऐसा दिखेगा मेरे को, मैं इधर से देखूंगा ना तो लाइट यहां से निकल रही है और सीधे मेरे आंख पे आ रही है, तीनों में से होती हुई। कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने अपनी आंख यहां रखी, इस जगह रखाई दी अपनी आंख, ठीक है ना, तो मुझे यहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यहां डार्क दिखाई देगा, यहां डार्क दिखाई देगा। मुझे एक तो ये वाला स्पॉट दिखेगा कि यहां से लाइट निकली, और एक स्पॉट यहां दिखाई देगा यहां लाइट पहुंची, बस ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये मेरे को शाइन करता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि लाइट यहां से सीधी यहीं गई है। समझ में आ रहा है? हो सकता है यहां पर एयर है, बीच में एयर है और डस्ट पार्टिकल भी है, तो यहां पर भी मेरे को थोड़ा सा लाइट शाइन मारते हुए दिखेंगे कुछ पार्टिकल, है ना? क्यों? क्योंकि ये एयर है, इसमें एयर विद डस्ट, एयर में तो डस्ट होती है, तो ऐसा लगेगा यहां मेरे को शाइन मारते हुए दिखेंगे। तो ये मेरा पहला चमत्कार हुआ। आप भी कर सकते हो, घर में एक डब्बा बनाओ, पानी ले लो, डिस्टिल वाटर मिल जाएगा बाजार में, थोड़ा महंगा सही, उसमें नमक डाल लो, लेकिन प्योर नमक मिलना मुश्किल है, ढूंढ लेना। प्योर नमक का मतलब फिर NaCl होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी हुई ना तो वो भी कोलाइडल बना देगी पक्का। तो आपको दिखाई देगा ये है टिंडल ने, टिंडल ने ये पहली बार करा, तो इसका मतलब मुझे यहां से क्यों दिखाई दे रहा है ये चमकता हुआ, और ये भी चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, ये भी चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? टिंडल ने कहा जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो स्प्लिट कर देते हैं, लाइट को फैला देते हैं चारों डायरेक्शन, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग 90 डिग्री पे हो जाती है। शट, समझ में? तो इस कारण मुझे ये चमकता हुआ दिखाई देगा। इसको टिंडल ने देखा तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अगर स्कैटरिंग नहीं होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही टिंडल इफेक्ट है, तो पता है हमें क्या दिखाई देता? हमें सूरज दिखाई देता और सीधा हम दिखाई देते, हमें आसपास का वातावरण ही नहीं दिखाई देता। हमें आसमान में देखते तो हमें जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों दिखाई दे रहा है? मैं यूं देख रहा हूं, लाइट सूरज इधर है, मैं इधर देख रहा हूं, मुझे इधर भी ब्लू दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सन तो सनलाइट तो यूं जानी चाहिए ना, तो वो यूं जाके यूं क्यों आ रही है? क्योंकि वो स्कैटरिंग हो रही है। तो मुझे आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर अपने आप में क्या है? कोलाइडल है। भगवान ने कोलाइडल बनाया इसलिए कि हम सब देख सके। अगर कोलाइडल नहीं होता, चंद्रमा पे मैं रहता, समझना आपको अजीब सा लगेगा, जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, मुझे एक डायरेक्शन में रोशनी दिखाई देती है जहां से सन आ रहा है सीधा, बाकी सब जगह अंधेरा है, मैं टॉर्च से भी नहीं देख सकता। वो तो क्या होता है, ऊपर से जब मैं देखता हूं, सपोज एटमोसफियर में मैं देखने की फील करूंगा, तो वो जो सरफेस होगी वो दिखाई देगी, एटमोसफियर में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मैं यूं देखूंगा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मैं यूं देखूंगा तो मेरे को सरफेस जरूर दिखाई दे सकती, क्योंकि वो सरफेस पे जहां लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहां कलर दिखाई देगा, बीच में नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। कुछ समझ में आया? जबकि अर्थ पे क्या है, आप नीचे देखो ऊपर देखो कुछ ना कुछ दिखाई देगा आपको, काला तो कहीं नहीं दिखाई देगा, जबकि और जगह ऐसा नहीं है। आप नीचे देखोगे आपको सरफेस की वजह से दिखाई देगा, लेकिन हवा में कुछ है ही नहीं, हवा ही नहीं है वहां, तो कोलाइडल तो बहुत दूर की बात है। देखो लिखिए टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्व,
जल्दी लिखें, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल एंड व्यूड एट राइट एंगल, एंड व्यूड एट राइट एंगल and viewed at right angle, the path of the light, the path of the light the path of the light show up as a Hodge beam ऑफ कॉन। ऐसा लगता है जैसे कॉनिकल ऐसे चीज हो रही है चेंज, इस कॉनिकल शेप की तरफ फैल जाती है चारों डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा टिंडल कॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिंडल कॉन। हॉजी बीम, ठीक है, हॉजी बीम ऑफ कॉन, फुल स्टॉप। दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय टिंडल, दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय टिंडल, सो इट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। ऑब्वियसली टिंडल ने दिया तो टिंडल का ही नाम आना चाहिए, मैं अपना नाम क्यों लिखूं? टिंडल कौन, ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट। एंड बीइंग कौन, जो कौन बन रहा है बीइंग, एंड बीइंग कौन इज कॉल्ड टिंडल कौन, इज कॉल्ड टिंडल कौन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दीजिए, पहला, दिस बीइंग नो डिफरेंस बिटवीन द, दिस बीइंग नो डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ of incident and scattered, यानी वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भाई पहले आया था और बाद में निकल गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पहला, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर लाइट इज डिफर देन इंडिकेट लाइट, करेक्ट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, कलर चेंज हो ही जाएगा जबकि फ्रिक्वेंसी और एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्कैट, नेक्स्ट लिखिए, मैक्सिमम स्कैटर स्कैटरिंग बीइंग इन ए फेज, ऐसे लिखे हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्कैटरिंग बीइंग इन ए प्लेन एट राइट एंगल, टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट,
पक्का कोई दिक्कत नहीं है? मैंने ऐसा बोला आपसे कि क्या वेवलेंथ चेंज होती है? नहीं। क्या मैंने ऐसा बोला फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? हाँ, फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट से उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और इस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल पे साइज क्या है, चार्ज क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, ठीक है ना, बस अलग होती है वो, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। सही है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है कॉलिगेटिव, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, श्योर? चलिए ठीक, तो मैं वापस स्टार्ट करता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग में बताना, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जितना ज्यादा कोलाइडर मिलाओगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ऑस्मोसिस तो फिनोमिना है, सही करो। तो ये समझ में आ रहा है। अब मोटा मोटा सीधा जाते हैं कि क्या कोलाइडल सॉल्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं? मेरा आंसर होगा यस। तो लिख लीजिए, कोलाइडल सॉल्व शो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्व शो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, कोलाइडल सॉल्व कैसे होते हैं? हिट्रोजीनियस होमोजीनियस, तो लिख लीजिए हिट्रोजीनियस प्रॉपर्टी। ऐसा लगता है कि कोई चीज मिक्स है तो वो होमोजीनियस है, ऐसा जरूरी नहीं है, हिट्रोजीनियस है। आपको मैं बताऊं कोलाइडल सॉल्व की खास बात क्या होती है, कि सारे पार्टिकल एक ही साइज के नहीं होते हैं, आप समझो बात को, समझ में आ रहा है? कुछ कोलाइडल बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ कोलाइडल बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, हिट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, हिट्रोजीनियस। तो लिख लीजिए कोलाइडल सॉल्व, लिखिए पहला पॉइंट तो लिख लीजिए, कोलाइडल सॉल्व शो हिट्रोजीनियस प्रॉपर्टी, हिट्रोजीनियस मिक्सचर प्रॉपर्टी। यहां आपको बहुत अलग अलग साइज में मिलेंगे, कुछ जो बहुत बड़े कोलाइडल रेंज में, कुछ जो बहुत छोटे कोलाइडल में, और कुछ बहुत ही छोटे जो ट्रू में भी है, बिना ट्रू के तो हो ही नहीं पाएगा वो सॉल्वेंट में, बोलो यस और नो। तो कुल मिला के आपको हर अलग अलग तरह की साइज वाले पार्टिकल मिलेंगे, तो ये एक और प्रॉपर्टी आपके पास हो गई, तो एक तरह से होमोजेनियस नहीं दिखेगा मेरे लिए, तो कोलाइडल में भी बहुत सारी रेंज हो जाएगी। जैसा मैंने आपको कुछ कोलाइडल बनाते वक्त बताया था, कुछ तो 10 नैनोमीटर के थे और कुछ 100 नैनोमीटर के थे, कितना बड़ा साइज का फर्क हो गया, 10 गुना 100 गुना तक भी बढ़ सकता था ये, समझ में आ रहा है? तो हिट्रोजीनियस प्रॉपर्टीज, तो लिख लीजिए कोलाइडल शो द हिट्रोजीनियस मिक्सचर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, कलर, कोलाइडल सॉल्व कलर भी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कलर में यहां पर क्या होता है, पहले तो समझना, जो हम नॉर्मल आयन पढ़ते हैं जो कोलाइडल नहीं होते, उनमें कलर का रीजन होता है या तो कुछ ऐसा रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, वो डीडी ट्रांजिशन हो या लिगेंड टू मेटल आयन हो या मेटल सेंटर एटम टू लिगेंड आयन हो, चार्ज ट्रांसफर हो, या फिर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, कुछ तो रीजन होता है। लेकिन ओवरऑल उन सबके पीछे रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट, सही है? जबकि यहां कुछ हटकर है, यहां पर क्या है, यहां साइज काम आ रही है आपकी मेनली। तो लिखिए कोलाइडल सॉल्स आर कलर इन नेचर, एंड द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्व डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल
एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन ट्रांसमिटेड लाइट। भाई किस तरह की लाइट आ रही है उस पर तो डिपेंड करेगा, वो तो हर जगह ही करता है। वो तो ट्रू सॉल्यूशन में भी कलर है तो वो ट्रांसमिटेड लाइट पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल और ट्रांसमिटेड लाइट, कौन सी ट्रांसमिट की जा रही है लाइट वो है। मैं कई बार बोलता हूँ अपन कपड़े देखते हैं ना तो वो अलग अलग तरह की लाइटें जला देता है, तो किस लाइट में उसका कलर क्या होता है हमें नहीं मालूम होता। जब घर लाके दिखाते हैं मम्मी को कि ये क्या कलर ले आई, ऐसा होता है कई बार। कई बार वो बहुत अच्छा लगता है, कई बार वही बहुत बेकार लगता है, ठीक है ना। तो हमेशा कपड़े खरीदते वक्त सनलाइट का यूज करें, क्योंकि आपको ज्यादातर सनलाइट में ही देखेगी पब्लिक। शोरूम पे नहीं, मैंने बहुत अच्छी साड़ी ली है, प्लीज शोरूम पे चलेंगे वहीं देखना, ऐसा नहीं होता ना। फिल्टर क्या बोलोगे, फिल्टर, तो फिल्टर नेचर आप बोल सकते हो, यानी कि इसको बोल सकते हो आप फिल्टरेबिलिटी। ये भी नया वर्ड बनाया अभी यार मेरे लिए, फिल्टर रे, फिल्टरेबिलिटी। तो ये फिल्टरेबिलिटी क्या होती है भाई, कोलाइडल पार्टिकल है, फिल्टर कैसे करोगे। दे कैन बी फिल्टर बाय एसपीएम, नॉर्मल छन्नी से तो छान नहीं सकते आप, कॉटन क्लोथ से भी नहीं छान पाओगे। तो दे कैन बी फिल्टर बाय एसपीएम, एसपीएम यानी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स, सही है। आपका ब्लड कोलाइडल है, पानी कोलाइडल है, नहीं तो आपका ब्लड कभी भी स्किन से बाहर नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा क्यों, क्योंकि रोके हुए है, फिल्टर है अंदर, ठीक है। फिल्टरेबिलिटी, नेक्स्ट डिफ्यूजनेबिलिटी। डिफ्यूजनेबिलिटी का मतलब होता है डिफ्यूज होना, बाहर निकलना, अगर हो मूवमेंट करना तो डिफ्यूजनेबिलिटी शो करते हैं। हाँ डिफ्यूज होते हैं, बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, सही है। अगर मेरे पास ये कोलाइडल है, ये दूसरा सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया, तो ये नहीं कि अब मैंने ये अपनी परिधि यानी अपनी सीमा बना ली, इसके बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं तो, जहां जहां तक मैं कोलाइडल, तो वो क्या हो जाएगा और दूर जाएगा, तो डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि एक कोलाइडल जैसे सॉल्वेंट मिलाएंगे उसमें भी जाके मिल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजनेबिलिटी। समझना, यहां पर किसी ने गैस कांड कर दिया तो थोड़ी देर में डिफ्यूजनेबिलिटी हो जाती है, या परफ्यूम छिड़क दिया, गैस कांड का मतलब वही होता है, परफ्यूम छिड़क दिया थोड़ी देर बाद वो सब जगह डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, वैसे ही कोलाइडल है। कोलाइडल अगर यहां एकदम से मैंने डस्ट छोड़ दी, धुआं छोड़ दिया इफेक्ट देने के लिए, वो धुआं तेजी से सब जगह फैल जाएगा, तो बताओ फैलेगा नहीं फैलेगा, फैलेगा। ये थोड़ी ना कि यहीं रह जाएगा, बस यहीं छोड़ा है यहीं रहेगा भाई साहब, कोलाइडल इसी एरिया में रहेगा, नहीं वो पूरे में फैल रहा है, तो पूरे में फैल रहा है तो इसको क्या बोलोगे, डिफ्यूजनेबिलिटी। तो लिख लीजिए, दे शो डिफ्यूजन एबिलिटी, कोलाइडल पार्टिकल शो द डिफ्यूजन टेंडेंसी, डिफ्यूजल टेंडेंसी बस शो करते हैं बस। तो क्यों करते हैं भाई, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होते, बहुत ज्यादा बड़े होते तो नीचे गिर जाते हैं, सही है, फैल जाते हैं। आज चिमनी का धुआं है, खटाखट पूरे एटमोसफेयर में फैल जाता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत सेटल डाउन हो जाए तो है, लेकिन फैलेगा तो एक बार पूरे एटमोसफेयर में।